बात करेंगे आज न्यूक्लियोलस की, विच इज़ द सेंटर पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस और रादर सेंट्रल बॉडी ऑफ द न्यूक्लियस. मतलब न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस होता है. ये एक डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर है जिसे फोंटाना ने डिस्कवर किया था. तो फोंटाना डिस्कवर्ड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस का ही एक पार्ट है. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय फोंटाना और ये डार्कली स्टेन बॉडी के फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा था जब हमने स्टेनिंग की. तो सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय फोंटाना एज अ डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस में हमें विजिबल था, राइट. हालांकि न्यूक्लियोलस के अपने फंक्शंस हैं, अपने स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, लेकिन ये डार्कली स्टेन्ड हमें दिखा इसीलिए क्योंकि इसका स्टेन होना आरडीएनए के प्रेजेंस पे डिपेंड करता है. इसके पास ज़्यादा अमाउंट में राइबोसोमल डीएनए है, राइबोसोमल आरएनए, आई एम सो सॉरी, इट हैज़ आरआरएनए और उसके कारण ये बहुत डार्कली स्टेन दिखाई दे रहा था. सो इट हैव मोर ऑफ आर आर एन ए. न्यूक्लियोलस विदाउट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, सो इट इज़ मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर. ये आपको याद रखना है, नीट के लिए ये पूछा जाता है. इट्स अ मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट इन योर सेल और ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर राइबोसोम्स के सिंथेसिस में मदद करता है. क्योंकि ये राइबोसोम्स के सिंथेसिस में मदद करता है इसीलिए इसके पास आर आर एन ए है, विच इज़ राइबोसोमल आर एन ए, राइट. यहाँ पर कई सेल्स के पास न्यूक्लियोलस मोर देन वन भी हो सकते हैं, वन और मोर देन वन न्यूक्लियोलाई भी प्रेजेंट हो सकते हैं किसी भी सेल के पास. और ये सिर्फ इसी बात पर डिपेंड करता है कि सेल की नीड कितनी है. अगर सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बच्चों थोड़ी ज़्यादा चलती है तो डेफिनेटली सेल को प्रोटीन्स ज़्यादा चाहिए होंगे और जितने ज़्यादा प्रोटीन सेल को चाहिए उतनी ही उसके पास उतनी ही उसके पास न्यूक्लियोलस ज़्यादा होंगी. सो आरआरएनए का बनना भी न्यूक्लियोलस में है और आरआरएनए का स्टोर होना भी न्यूक्लियोलस में है. तो हमेशा दिखाई देगा आपको आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए और इसीलिए आपको न्यूक्लियोलस में एक डेंस स्ट्रक्चर दिखाई देता है. तो न्यूक्लियोलस में डेंस स्ट्रक्चर दिखने का एक ही रीज़न है कि जो आरआरएनए है वो बनता भी वहीं पे है और वो स्टोर भी वहीं पर हो रहा है, राइट. नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, इसमें अमॉर्फस मेट्रिक्स होता है. इट इज़ अमॉर्फस, लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग, इट इज़ अमॉर्फस मेम्ब्रेन मैट्रिक्स, सॉरी, इट इज़ अमॉर्फ, इट हैव अमॉर्फस मैट्रिक्स. दैट मीन्स विथ मोर प्रोटीन. मेम्ब्रेन लेस तो है लेकिन उसका मैट्रिक्स कैसा है, अमॉर्फस विथ प्रोटीन्स. फाइब्रिल्स प्रेजेंट है, है ना. इट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फाइब्रिल्स. हम अभी एक इसका बेसिक डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा. ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट हैं, जो ग्रैन्यूल्स इसके अंदर राइबोसोम्स और प्रोटीन्स के फॉर्म में प्रेजेंट हैं. तो इट हैव ग्रैन्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोसोम्स. फाइब्रिल्स प्रेजेंट हैं जो कि वैसे न्यूक्लियो फाइब्रिल्स बोलते हैं हम उन्हें, और ये न्यूक्लियर फाइब्रिल्स इसको एक फाइब्रिलर स्ट्रक्चर देते हैं और इसके मैट्रिक्स को अमॉर्फस बनाते हैं. मेम्ब्रेन तो नहीं है लेकिन इसके आसपास जो डेंस एरिया है वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोटीन्स मिलेंगे और फाइबर्स मिलेंगे. सो दिस इज़ द रीज़न वाई इट अपीयर्स टू बी ग्रैन्यूलेटेड. अब हम बात कर लेते हैं बेटा ये कहाँ कहाँ पर और कितने अमाउंट में मिलेगा. सो इफ़ आई टॉक अबाउट देयर फंक्शन एंड देयर नंबर, तो नंबर आपको सिक्रीटरी सेल्स अगर होंगे, सिक्रीटरी सेल्स मतलब कोई हार्मोन बना रहे हैं, प्रोटीन्स बना रहे हैं, तो वहाँ पे इनका नंबर आपको कैसा मिलेगा, कंपैरेटिवली ज़्यादा. तो जिन सेल्स का नेचर सिक्रीटरी है, जैसे ग्लैंडुलर सेल्स जो कि सिक्रीशंस करते हैं, वहाँ पर आपको न्यूक्लियोलस का नंबर कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेगा. फॉर एग्जांपल लिवर, है ना, लिवर में सिक्रीशन होता है, लिम्फोसाइट्स,
हमारे स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स विच आर IgA टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, इनके अंदर इनका नंबर ज़्यादा मिलता है, राइट? तो इन सभी जगहों पर आपको कंपैरेटिवली न्यूक्लियोलस का नंबर ज़्यादा मिलेगा। तो अगर मैं समराइज करूँ तो सिक्रीटरी सेल्स हो गए बेटा, है ना, सिक्रीटरी सेल्स, ऊसाइट्स, ऊसाइट्स की जो जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन होती है, वो जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन में आपको न्यूक्लियोलाई मिलेंगे काफ़ी अमाउंट में। न्यूरॉन्स के नीसल्स ग्रैन्यूल में मिलेंगे आपको सबसे ज़्यादा। तो इन जगहों पर आप मेजरली इन्हें देख सकते हैं। याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक दे रही हूँ आपको, अगर आप यहाँ पे याद करना चाहते हैं तो आप इसे सन से याद कर लीजिए, सन, राइट? दिस वुड बी अ मेमोरी ट्रिक फॉर यू। एक निमोनिक है, सन याद रख लीजिए, सिक्रीटरी सेल्स हो गया, ऊसाइट्स हो गए, और उसके अलावा नीसल्स ग्रैन्यूल्स हो गए जो कि हमारे न्यूरॉन्स में प्रेजेंट है। इन सभी जगहों पे न्यूक्लियोलाई का नंबर आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेगा। हम इसका स्ट्रक्चर अगर देखना चाहें बेटा, तो आउटर मोस्ट रीजन ग्रैन्यूलर है, आई एम इरेजिंग दिस, आउटर मोस्ट रीजन, आप हम इसे दो तीन रीजन्स में डिवाइड करते हैं, देख लीजिए ज़रा इस तरीके से, इसे तीन रीजन में डिवाइड कर लीजिए। सबसे बाहर वाला हिस्सा ग्रैन्यूलर रीजन के फॉर्म में जाना जाता है, यहाँ पे RRNA सबसे ज़्यादा होगा। बीच वाला रीजन डेंस ग्रैन्यूलर रीजन है, डेंस ग्रैन्यूलर रीजन कंपैरेटिवली ऊपर के रीजन से यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेंगे फाइब्रिल्स, ग्रैन्यूलर रीजन। और अंदर वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, अंदर वाला रीजन इज कॉल्ड एज फिब्रिलर रीजन, राइट? तो फिब्रिलर रीजन में आपको फाइब्रिल्स ज़्यादा मिलेंगे कंपैरेटिवली, ये वाले हिस्से में यू विल गेट मोर ऑफ फाइब्रिल्स, राइट? सो दिस इज हाउ योर सेंट्रियोल, सॉरी योर न्यूक्लियोलस लुक्स लाइक, न्यूक्लियोलेमा टाइप के फाइब्रिल्स इसमें अंदर की तरफ आपको ज़्यादा मिलेंगे। थोड़ा सा अगर डायग्राम के डिस्क्रिप्शन में और फर्दर जाऊं, तो जो फाइब्रिलर रीजन है वो फाइब्रिलर रीजन इस तरीके के फाइब्रिल्स का है, ठीक है? आई विल मेक इट अगेन। फाइब्रिलर रीजन में सबसे पहले आप अंदर एक फाइब्रिल बना दीजिए, सो दिस वुड बी फाइब्रिलर रीजन। इसके बाहर वाला हिस्सा होता है ग्रैन्यूलर रीजन, या जहाँ पर हमारे पास ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो वो ग्रैन्यूल्स आप इस तरीके से बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये बाहर वाला हिस्सा ग्रैन्यूलर रीजन, ये मेम्ब्रेन नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा, आप इसे मेम्ब्रेन मत समझ लीजिएगा। यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, RRNA होता है। तो बाहर वाला रीजन कैसा हो गया, ये दिस इज ग्रैन्यूलर एंड दिस इज फिब्रिलर रीजन, और इसके अलावा राइबोसोम्स प्रेजेंट है यहाँ पे, एंड देन दे हैव सर्टेन फाइबर्स कुछ इस तरीके से, फिलामेंट्स, आई होप यू कैन सी दिस, कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिलामेंट्स हैं। ये जो फिलामेंट्स है ये कुछ नहीं है, दिस इज देयर प्रिपेयर्ड RRNA, जिसके कारण ये ज़्यादा आपको डेंस दिखाई देता है, एंड दीज आर राइबोसोम्स। सो दिस मेक्स आर डायग्राम कंप्लीट, है ना? बाहर का रीजन ग्रैनुलर है, अंदर सबसे सेंट्रल यूनिट जो है वो फिब्रिलर रीजन है, राइबोसोम्स की यूनिट दिखाई दे रही है आपको, और उसके अलावा RRNA दिखाई दे रहा है। सो न्यूक्लियोलस आपको तभी दिखाई देगा, और ज़्यादा नंबर में तभी दिखाई देगा जब इसकी ज़रूरत है, अदरवाइज इसका नंबर आपको काफ़ी रिड्यूस दिखाई देगा, ये आपको विजिबल भी नहीं होगा। सो दिस इज़ हाउ वी हैव फिनिश्ड विद द न्यूक्लियोलस।